नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। मोदी का जलवा बरकरार, सरकार से लोग नाराज। केंद्र की भाजपा सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार दिखा। वहीं सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। एक निजी टीवी चैनल की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक 66% लोग मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं। 50% लोगों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है। 53% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार रोकने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। 53% लोगों का मानना है कि सरकार ने काले धन के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं 41% लोगों ने इस मामले में सरकार के काम को बेहतर बताया। पीएम मोदी ने लिखी देश के नाम चिट्ठी। सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पीएम ने अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। पीएम ने कहा है कि पहले साल में सरकार ने जो काम किए हैं उससे देश ने खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल कर लिया है। मोदी ने लिखा है कि पिछले साल जनता के आशीर्वाद से मुझे पीएम बनने का दायित्व मिला था। मैं खुद को प्रधान सेवक मानकर इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। हम अंत्योदय के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हैं। जब हम कोई फैसला लेते हैं उस वक्त गरीब, वंचित, मजदूर और किसान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। स्विट्जरलैंड ने बताए दो भारतीय खाता धारकों के नाम। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इनमें दो भारतीय महिलाएं स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड ने अपने सरकारी राजपत्र में इन लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं। नामों को सार्वजनिक करते हुए स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों भारतीयों से कहा है कि अगर वे चाहती हैं कि उनके बारे में जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं की जाए तो वे 30 दिन के भीतर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकती हैं। हालांकि इसमें भारतीय नागरिकों के जन्म तारीख के अलावा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।